हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो मैं तो बहुत अच्छे से हूँ। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज सुबह से ही मैं काम में लग गई। तो इतने सारे कपड़े हैं जो कि धुलने के हैं, तो मैं इन सारे कपड़े को छत पे लेके आ गई और मैंने मशीन लगा दिया। मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, आधे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और आधे कपड़े मैं बाद में सुखाऊंगी। फिर मुझे आवाज़ आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर आपको एक मशीन दिख रही है। मशीन से जो गाय भैंस को जो चारा खिलाया जाता है, वो चारा तैयार किया जा रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे मशीन से किया जाता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अब आ गई हूँ मैं नीचे। अब मुझे नीचे का काम करना है। तो बेसिन में थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, वो धोए हैं मैंने। ये पार्सल में क्या आया है, इसकी भी अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरे हस्बैंड जी। फाइनली गाइज, अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो हमने मंगाया हुआ था फ्लिपकार्ट से बजाज का 5 लीटर का गीज़र, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ठंड कितनी ज़्यादा हो गई है और गैस पर बार बार पानी गर्म करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम गीज़र ही लगवा लेते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा गीज़र ऑर्डर कर दिया था जो कि 5 लीटर का है। गीज़र तो हमने मंगा लिया है, अब इंस्टॉल कब और किससे कराना है बस ये सोचना है। हमें तो गीज़र बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना मुझे। देन आया हुआ था मेरा छोटा भाई, वो कुछ काम से इधर आया हुआ था, तो उसे मेरी मम्मी ने मेरे घर भी भेज दिया। मेरे घर क्यों भेजा ये तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो पहले तो यहाँ पे मेरा भाई जा रहा है, तो मम्मी ने इसलिए मेरे घर भेजा क्योंकि मम्मी ने बनाया था आज जीमी कांदे की सब्ज़ी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। और उसके साथ बना के भेजे थे गरम गरम बड़े। फिर हमने खाना खाया, उसके बाद हमने बुलाया हुआ था गीज़र इंस्टॉल करने के लिए किसी को, तो वो भी आ गए थे। सारे कपड़े भी सूख चुके थे तो मैं उन्हें नीचे लेके आ गई। और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का ही कपड़ा प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ भी जाना होता है तो मैं तुरंत तुरंत ही अपना कर लेती हूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड के सारे जीन्स और शर्ट टी शर्ट सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। कपड़े धो के सुखाने के बाद प्रेस करना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो गाइज, अभी बज रहा है रात के 10:30 और मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गई हूँ व्लॉग का एंड करने के लिए। व्लॉग का एंड करने के लिए ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगती है, तो डेली व्लॉग का एंड मैं यहीं पर ही करती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने ऑनलाइन गीज़र मंगाया हुआ था, तो मैंने तो मंगाया 3-4 दिन पहले था, बट फ्लिपकार्ट से वो आज हमें रिसीव हुआ। तो आज ही हमने गीज़र जो फिट करते हमने उनको बुलाया हुआ था गीज़र इंस्टॉल करने के। तो इंस्टॉल हो गया, बट नल के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम जा रही है जिसकी वजह से हम गीज़र का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कल हमें किसी प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा नल का कनेक्शन चेक करवाने के लिए। तो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और जो हमारे चैनल में नए हैं, जो हमारे वीडियो नए लोग देख रहे हैं, तो प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज।